हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में कैसे हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, जहां प्रोग्राम यूजर द्वारा दिए गए साइज के साथ मेमोरी का एलोकेशन करता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम studio.h और stdlib.h लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं। फिर हम int ptr और int n वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ptr एक पॉइंटर है जो हमारे एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट करेगा और n एक वेरिएबल है जो यूजर से इनपुट लिया जाता है। फिर हम यूजर से इनपुट लेने के लिए printf और scanf का यूज करते हैं। यूजर को प्रॉम्प्ट किया जाता है कि वो n एंटर करे। अब हम ptr को calloc फंक्शन का यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं। calloc एक फंक्शन है जो मेमोरी एलोकेट करता है और उसे शून्य से इनिशियलाइज करता है। इस फंक्शन में हम n और साइज ऑफ ईच एलिमेंट के रूप में लेते हैं ताकि टोटल मेमोरी एलोकेट हो सके। उसके बाद एक for लूप का यूज करके हम एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर की गई वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। अब कोड को सेव, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बिगिनर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। आप इस प्रोग्राम को खुद ट्राई कर सकते हैं और अपने सी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्न, कीप एक्सप्लोरिंग।